गुड मॉर्निंग एवरीवन। बैक फिलिंग का एक्स्ट्रा मटेरियल जो किया था हमने कैप की स्टेजिंग के लिए, उसको अभी हम हटवा रहे हैं। फॉर गटर इरेक्शन बेड फॉर्मेशन, फर्स्ट पैन को गटर इरेक्ट कंप्लीट करके सेकंड का भी स्टार्ट करेंगे हम, तो इसीलिए हम बेड फॉर्मेशन बना रहे हैं। बाकी हमारा क्रैश बैरियर चल ही रहा है और ये क्रैश बैरियर एक साइड प्लेट लग गई है, शटरिंग हो रही है अभी। यहाँ पे मैस्टिक पैड भी काट के रखा है, मैं आपको उसका शेप दिखा देता हूँ। वो तो लगवा दिया उन्होंने, ये जा ही रहा हूँ मैं उधर। 20mm का तो आपका मैस्टिक पैड आता है। ये आपका मैस्टिक पैड आता है 20mm का, ये देखिए इसको काट के लगाया अभी यहाँ पे। और ये कंक्रीट टॉप लेवल है, यहाँ टेप से लगाया हमने और ये स्टील सीधा करके अभी इसकी अलाइनमेंट होगी। यहाँ लाइन दोरी भी लगाई है, ये देखिए विथ लाइन दोरी सपोर्ट, तो हमने जिसका लेवल देने के लिए स्टील लगाया था तो उसी हिसाब से हम इसको यूजैक और कपलॉक पाइप यूज़ करके इसको सपोर्ट दे रहे हैं। और जो हमने लास्ट में जो 15 मीटर किया था उसको मैं दिखा देता हूँ आपको। उसको अभी क्यूरिंग कंपाउंड लगा रहा था, लड़का लेके गया है, क्यूरिंग कंपाउंड लगाएगा और इस पर गनी है संकोलत लगा के उस पर क्यूरिंग होगी। देखिए इसकी फिनिशिंग और लेवल देखिए, टॉप लेवल फिनिशिंग पे देखो और टॉप लेवल भी देखो। और ये यहाँ पे डाल दिया ये मैस्टिक पैड, मैस्टिक पैड जिसके उसी हिसाब से इसको कटवाया हमने, जिस हिसाब से हमारा क्रैश बैरियर का शेप रहता है एग्जैक्ट प्लेट को आएगा ये यहाँ से। और ये 20mm का रहता है, देखिए यहाँ पे मेरा ये पाइप गया हुआ है इलेक्ट्रिसिटी की केबल के लिए और अदर फोन केबल, इंटरनेट केबल एक्सेट्रा जो भी जाएगा वो इस केबल से पास होगा डक में से। तो ये मैस्टिक पैड हमने उसी हिसाब से कटवा के लगवाया था 20mm का। और ये क्यों लगाना चाहिए इसका एक्सप्लेनेशन मैंने आपको लास्ट वाली वीडियो में दिया था, लेकिन अभी नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा मैं मोर्थ के हिसाब से एग्जैक्ट, मतलब मोर्थ में कहाँ दिया हुआ है, कौन सी क्लॉज में दिया हुआ है वो भी आपको दिखाऊँगा। तो ये क्रैश बैरियर कैविटी शटर हुआ है और फिनिशिंग देखो, कहीं हमने रिपेयरिंग नहीं किया, अभी कहीं भी रिपेयरिंग नहीं किया है। और ये अगला वाला स्टार्टर तो भर दिया था हमने, अब इसका स्टील ये लोग लाइन दोरी लगवा के अपना स्पेसिंग के हिसाब से अरेंज कर रहे हैं। क्योंकि क्रैश बैरियर का स्टील प्लेट को ना लग जाए। और ये देखिए ये लाइन दोरी लगी हुई है मेरी यहाँ से कवर छोड़ के, अब इसी हिसाब से इसका स्टील अरेंजमेंट होगा। डेढ़ सौ की स्पेसिंग है, आपको एकदम एग्जैक्ट 150 की स्पेसिंग भी मिलेगी। और यहाँ पे स्लैब की शटरिंग हो रही है, क्रॉस गटर हो चुका था, क्रॉस गटर की डिशटरिंग हो रही है। और ये दो गटर के बीच में शटरिंग और अभी प्लाई ऊपर लेके गए गाबड़ी भरने के लिए, तो वो कटिंग हो रही है वहाँ पे। इनर साइड की प्लेट लग गई है, खाली कैंटिलीवर पोर्शन की प्लेट बाकी है अभी मेरी। देखिए
टॉप का लेवल लेके आता हूँ। रेड बैरियर में फिनिशिंग आना बहुत ज़रूरी होता है। और मेरी 54 कैप की स्टिचिंग हो रही है, तो आज ऑलमोस्ट 100 फिट लेवल तक पहुंच गई है, तो उसका भी एक लेके आऊँगा मैं। कैसे अरेंज किया हुआ हमने, क्रिप्स खड़ी की है हमने 300 mm की। नेक्स्ट वीडियो में इसका BBS और क्वांटिटी कैसे फाइंड करते हैं इसकी कंक्रीट की, तो कंक्रीट की क्वांटिटी प्लस BBS लेके आऊँगा। इसका शेप आपको पता ही है कैसा रहता है, तो उसी हिसाब से प्लेट हमने फैब्रिकेट की हुई है। अगर आपको मेरे चैनल से कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल रही होगी तो मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो।